एशिया कप 2023 की टिकटों का ऐलान, कब से टिकटें शुरू होंगी। इसके बाद पीसीबी ने नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का ऐलान कर दिया, कितनी टीमें खेलेंगी, कितने टूर्नामेंट होंगे। और बांग्लादेश ने अपना न्यू कैप्टन अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2023 के लिए टिकटों की डेट का ऐलान कर दिया गया। एशिया कप 2023 की टिकटें आज 12 अगस्त को रिलीज कर दी जाएंगी, जो कि पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया में अवेलेबल होंगी। इसके बाद पीसीबी ने अपना नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसमें कितनी टीमें खेलेंगी। सबसे पहले देखा जाए तो कायदे आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास 8 टीमें, पाकिस्तान कप 8 टीमें, नेशनल T20 18 टीमें, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी 4 डे मैच 10 टीमें, हनीफ मोहम्मद कप वन डे 10 टीमें, नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप 3 डे 18 टीमें, नेशनल अंडर 19 कप वन डे 18 टीमें, नेशनल अंडर 16 वन डे कप 16 टीमें, नेशनल अंडर 13 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके बाद डिपार्टमेंट टूर्नामेंट में प्रेसिडेंट ट्रॉफी फर्स्ट क्लास 8 टीमें, प्रेसिडेंट कप वन डे 8 टीमें, प्रेसिडेंट T20 8 टीमें, पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 3 डे 10 टीमें होंगी। ये डिपार्टमेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट का अनाउंस कर दिया गया है। इसके बाद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए कैप्टन का अनाउंस कर दिया। दरअसल शकीबुल हसन अब वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए कैप्टानी करेंगे, जबकि तमीम इकबाल शायद एशिया कप ना खेल पाएं।